ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। लेकिन एक बात मत भूलिएगा डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में एक शेर की होती है। साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म कालीचरण का ये डायलॉग सुनकर आज भी अभिनेता अजीत खान याद आते हैं। ये वो दौर था जब हीरो और विलन बराबर की टक्कर में हुआ करते थे। तब तक विलेन का रूप बदल चुका था, ना ही उसके गले रुमाल बंधा होता था और ना ही उसके बिखरे बाल होते थे। अजीत साहब के बोलने का अंदाज ऐसा था कि लोग उन्हें देखकर बस वाह वाह कहते रहते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके ये बेहतरीन एक्टर आज कहाँ और किस हाल में हैं? नहीं ना, तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाने वाले हैं। हिंदी सिनेमा को शायद पहली बार एक ऐसा विलन मिला था जो काफी सौम्य और प्रभावशाली ढंग से विलन के किरदार को फिल्मी पर्दे पर जीवित कर देता था। अजीत का असली नाम हामिद अली खान था, जो बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे और इसी का सपना लिए वो घर से भागकर मुंबई आ गए थे। अजीत पर अपने इस सपने को पूरा करने का जुनून इस कदर सवार था कि उन्होंने अपनी किताबों तक को बेच डाली थी। 1940 में उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। कुछ समय तक उन्होंने बतौर हीरो फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फ्लॉप रहे। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। विलेन के तौर पर न सिर्फ उनके किरदार को सराहा गया, बल्कि उनके कई डायलॉग और वन लाइनर जबरदस्त हिट हुए। आज भी जब अजीत के नाम का जिक्र होता है तो अनायास ही मोना डार्लिंग, लिली डोंट बी सिली और लॉयन जैसे डायलॉग जुबा पर आ जाते हैं। अजीत ने विलेन और उसके किरदार की ऐसी परिभाषा और लुक गढ़ा जो हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया है। मुंबई आने के बाद अजीत का कोई ठोस ठिकाना नहीं था। काफी वक्त तक तो उन्हें सीमेंट के बने पाइपों में रहना पड़ा, जिन्हें नालों में इस्तेमाल किया जाता है। उन दिनों लोकल एरिया के गुंडे उन पाइपों में रहने वाले लोगों से भी हफ्ता वसूली करते थे और जो भी पैसा देता था उसे ही उन पाइपों में रहने की इजाजत मिलती। एक दिन एक लोकल गुंडे ने अजीत से भी पैसे वसूलने चाहे। अजीत ने मना कर दिया और उस लोकल गुंडे की जमकर धुलाई की। उसके अगले दिन से अजीत खुद लोकल गुंडे बन गए। इसका असर ये हुआ कि उन्हें खाना पीना मुफ्त मिलने लगा और रहने का भी बंदोबस्त हो गया। डर की वजह से कोई भी उनसे पैसे नहीं लेता था। अजीत ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नास्तिक, मुगले आजम, नया दौर और मिलन जैसी फिल्मों को अजीत ने अपने किरदार से सजाया। लेकिन अगर बात करें इनके आज के बारे में तो आपको बता दें कि आज ये अभिनेता हमारे बीच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर 1998 में अजीत ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड में उनके योगदान को अभी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही ये आज हमारे बीच ना हो, लेकिन इनके द्वारा किया गया अभिनय आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।